रियल टाइम सिस्टम्स, ये वाले बेसिकली काफी एडवांस टाइप के सिस्टम्स होते हैं और ये उन चीजों में यूज होते हैं जहां पे आपके पास बेसिकली फिक्स्ड टाइम कॉन्स्टेंट्स हैं कि इसी टाइम के अंदर हमें ये जॉब परफॉर्म करनी ही करनी है, नहीं तो सिस्टम फेल हो जाएगा, नहीं तो हमारे को जो काम करना था वो नहीं हो पाएगा, उसी टाइम फ्रेम के अंदर हमें ये करनी है। जैसे कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, मेडिकल इमेजिंग सिस्टम है, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, ऑटोमोबाइल इंजन फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, जैसे बेसिकली आपके ऑटोमोबाइल के अंदर कितना फ्यूल इंजन में जाना चाहिए इसके लिए एक ECU लगा रहता है, ठीक है। तो फ्यूल इंजेक्शन क्या है, बेसिकली फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है छोटे छोटे पाइप्स के थ्रू इंजन के अंदर, ताकि उतना ही फ्यूल उस टाइम में बर्न हो पाए और अच्छे से अच्छी फ्यूल इकोनॉमी आपको मिले। पहले जैसे कार्ब्यूरेटर होता था उसके अंदर इस तरीके का कोई भी ECU या कोई चिप नहीं लगी रहती थी, तो उसके अंदर जितना आपने थ्रॉटल ओपन किया, जितना आपने रेस बेसिकली दी, उतना फ्यूल उसमें जाता था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन जब ECU वगैरह आ गए तो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होने लगा, ये भी टाइम कॉन्स्टेंट है कि उसी टाइम के अंदर इतना फ्यूल जाए ही जाए, या फिर उसी टाइम के अंदर बेसिकली ये कैलकुलेट कर ले कि कितना फ्यूल चाहिए, नहीं तो इंजन बेसिकली बंद हो जाएगा या फिर कुछ और डिफेक्ट उसमें आ सकता है। होम अप्लायंस कंट्रोलर, वेपन सिस्टम, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई कहीं पे हमला कर रहा है तो 10 सेकंड में कोई मिसाइल सिस्टम एक्टिवेट हो जाए, तो ये सारे बेसिकली रियल टाइम सिस्टम है। रियल टाइम सिस्टम फंक्शंस करेक्टली ओनली इफ इट रिटर्न्स द करेक्ट रिजल्ट्स विद इन इट्स टाइम कॉन्स्टेंट। हम कब मानेंगे कि कोई रियल टाइम सिस्टम सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, जब वो उसी टाइम में करेक्ट रिजल्ट दे। अगर टाइम खत्म होने के बाद कोई मिसाइल सिस्टम आपका एक्टिवेट हो रहा है, वेपन सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, तो वो रियल टाइम सिस्टम आपका खराब है, वो वर्क नहीं कर पाया, ठीक है, फेल हो गया वो रियल टाइम सिस्टम। तो इस तरीके से हार्ड रियल टाइम सिस्टम में क्रिटिकल टास्क मस्ट बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, ऑल डिलेज मस्ट बी बाउंडेड, बेसिकली सारे जो भी आपके सारे टास्क हैं उन पे सब पे टाइम कॉन्स्टेंट कि ये 2 सेकंड में होगा, ये 20 मिनट में होगा, सब पे टाइम कॉन्स्टेंट लगना चाहिए। जितने भी डिलेज हैं कि इनपुट आने में इतना टाइम लगेगा, आउटपुट आने में इतना टाइम लगेगा, ये सारे जितने भी डिलेज हैं इनके ऊपर आप टाइम कॉन्स्टेंट लगाएं कि मैक्सिमम 10 सेकंड में इनपुट आ जाएगी, 10 सेकंड में आउटपुट आ जाएगी, इस तरीके से आपको सब पे बेसिकली लगा देना है, ठीक है। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में थोड़ा लेस रिस्ट्रिक्शंस हैं, उतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस इसमें नहीं है और यही बेसिकली प्रैक्टिकली अचीवेबल भी है। क्रिटिकल रियल टाइम टास्क गेट्स प्रायोरिटी ओवर अदर टास्क, जो भी आपका बेसिकली एक टास्क है जो जिसकी हाई प्रायोरिटी पे है उसको आपको सबसे पहले करना है, तो बाकी कामों को रोक के आप उस टास्क को प्रायोरिटी पे लाते हैं। अब भले ही उसमें कितना भी टाइम लगे, उस पर ऐसा कोई फिक्स्ड टाइम कॉन्स्टेंट यहाँ पे नहीं है, थोड़ा कम रिस्ट्रिक्शंस है यहाँ पे, बस ये है कि उस टास्क को आप सबसे पहली प्रायोरिटी पे करने लग जाए, आपका सिस्टम जो है उस टास्क को करने के लिए सारे रिसोर्सेज सबसे पहले लगा दे, फिर वो टास्क जब खत्म हो तभी बाकी टास्क शुरू किए जाए, ये है बेसिकली।